Hello students, welcome in biology class through EBC platform for continuous learning. I hope you all are fine during this pandemic and doing well. Today in this video session we study chapter 3 plant kingdom of class 11th. For better understanding the kingdom plantae, I would like to discuss one flow chart which shows the classification of kingdom plantae. So let's start our chapter, plant kingdom. Here you can see the classification of kingdom plantae. Kingdom plantae को हम classify करते हैं दो पार्ट्स में. फर्स्ट क्रिप्टोगैम्स एंड सेकंड फेनरोगैम्स. क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं? क्रिप्टोगैम्स फ्लावरलेस और सीडलेस प्लांट्स होते हैं और फेनरोगैम्स सीड बियरिंग वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं. सो दीज आर द टू सब किंगडम्स ऑफ किंगडम प्लांटे, दैट इज क्रिप्टोगैम्स एंड फेनरोगैम्स. क्रिप्टोगैम्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, दैट इज थैलोफाइटा. थैलोफाइटा आर दोज प्लांट्स दैट डू नॉट हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी. थैलोफाइटा वो प्लांट्स होते हैं जिनकी प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं होती है, यानी रूट, स्टेम और लीव्स में. एंड the examples which comes under thallophyta are Eulothrix, Vulva, Spirogyra. ये thallophyta के examples हैं Eulothrix, Vulva, Spirogyra, जो thallophyta में आते हैं. दूसरी category में आपके वो plants आते हैं जिनमें plant body आपकी differentiate होती है, that is they are again of two types, bryophytes and pteridophytes. Bryophytes ये वो प्लांट्स होते हैं जिनमें स्पेशलाइज वैस्कुलर टिश्यूज़ एब्सेंट होते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम, ये हमारे वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं. तो इनमें ये स्पेशलाइज वैस्कुलर टिश्यू ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट होते हैं. एंड द एग्जांपल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स आर लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस. दूसरी कैटेगरी होती है टेरिडोफाइट्स, जिसमें प्लांट्स में स्पेशलाइज वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम टेरिडोफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं. एंड द एग्जांपल्स ऑफ दीज टेरिडोफाइट्स आर फर्न्स, क्लब मॉसेस. नाउ वी कम टू द अनदर सब किंगडम, दैट इज फेनरोगम्स. फेनरोगम्स अगेन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. यानी फेनरोगैम्स जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये सीड बियरिंग वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं और इनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म आपके वो प्लांट्स होते हैं जो बियर करते हैं नेकेड सीड्स, यानी आप इसमें जो सीड्स हैं उनको देख सकते हो. एंड द एग्जाम्पल्स आर साइकस एंड पाइनस. बट एंजियोस्पर्म में प्लांट्स जो होते हैं वो बियर करते हैं सीड्स एंड क्लोज इन साइड द फ्रूट्स. एंजियोस्पर्म में जो सीड्स होते हैं वो एनक्लोज होते हैं फ्रूट्स के अंदर. हियर यू कैन गिव एग्जाम्पल लाइक मैंगो, एप्पल. यू कांट सी द सीड, ओके, बिकॉज इट इज एनक्लोज इन साइड द फ्रूट. नाउ एंजियोस्पर्म again divide into two categories, that is dicot and monocot. As the name itself suggests, di means two, yani ye wo plants hote hain jinme do cotyledons hote hain, yani plants bearing seeds with two cotyledons are said to be as dicots. Here you can give example gram, peas, mango. Dusri category angiosperm ki hoti hai मोनोकॉट्स. मोनो मीन्स सिंगल. तो प्लांट्स बियरिंग सीड्स विद वन कॉटिलेडन.
जिनमें एक कॉटिलेडन होता है वो आपके मोनोकॉट्स कहलाते हैं. एंड हियर यू कैन गिव एग्जाम्पल वीट एंड राइस. अब ये क्लासिफिकेशन जो आपने देखा इसको और हम बेटर समझ सकते हैं विटेकर द्वारा दिए गए फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से, क्योंकि उससे पहले केवल टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन हुआ करता था. और किंगडम प्लांटेई में जैसे बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, डायएटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, रेड एल्गी एक्सेट्रा. बट नाउ बैक्टीरिया जो कि किंगडम मोनेरा में आता है और फंजाई, दे हैव बीन गिवन द स्टेटस ऑफ सेपरेट किंगडम. यानी बैक्टीरिया और फंजाई को एक सेपरेट स्टेटस दिया गया, सेपरेट किंगडम उनको दिया गया उनके यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से. और डायएटम्स और डायनोफ्लैजिलेट्स जो थे उनको रखा गया किंगडम प्रोटिस्ट के अंदर. फिर प्लांट किंगडम जो ये हमारा किंगडम प्लांटे ही है, इसके अंदर अब हमारा क्या रह गया, यहाँ पे हमारे पास मल्टी सेलुलर एल्गी, आपके जो ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, हम इनकी स्टडी करते हैं. सो वी डिस्कस दीज वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द एल्गी. अब यहाँ एल्गी को हम डिस्कस करेंगे. एल्गी जैसे कि इसमें अगर हम इसके जनरल फीचर्स देखें तो एल्गी एक्वेटिक होते हैं और ये फ्रेश वाटर में होते हैं एंड एज वेल एज इन मैराइन वाटर. और इनकी बॉडी जो होती है वो डिफरेंशिएट नहीं होती है रूट, स्टेम और लीव्स में. हियर यू कैन सी दिस इज ग्रीन एल्गी. जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं एल्गी का तो इट इज़ क्लासिफाइड इन थ्री. आप थ्री डिवीज़न में एल्गी को क्लासिफाई करते हो. सबसे पहला डिवीज़न आता है क्लोरोफाइसी, जिसको हम ग्रीन एल्गी कहते हैं. नेक्स्ट आता है आपका फियोफाइसी, जो कि आपकी ब्राउन एल्गी कहलाती है. और इसके बाद एक आती है आपकी रोडोफाइसी, जिसे हम रेड एल्गी कहते हैं. सो वी विल डिस्कस दीज एल्गीज वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस दिस ग्रीन एल्गी. एंड बिफोर डिस्कसिंग द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द क्लोरोफाइसी, फर्स्ट वी विल डिस्कस द जनरल फीचर्स ऑफ द एल्गी. जनरल फीचर्स एल्गी के, जैसे जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू कि एक्वेटिक होते हैं और फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर में होते हैं. और इनकी जो बॉडी है वो डिफरेंशिएट नहीं होती है रूट, स्टेम और लीव्स में. और इनमें वैस्कुलर टिश्यूज़ भी नहीं होते हैं, दे लैक द वैस्कुलर टिश्यूज़, दैट इज़ द जाइलम एंड फ्लोएम. और इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है. एंड ऑब्वियसली दे आर ऑटोट्रॉफ बिकॉज दे हैव द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड एसेसरी पिगमेंट्स. इनमें कैरेटिनॉइड्स, फाइकोबिलिंस जैसे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ भी होते हैं. एंड द रिजर्व फूड इज ऑलवेज मेनली स्टार्च. एंड ये रिप्रोड्यूस होते हैं वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड से. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स से होता है. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आइसोगैमस, एन आइसोगैमस या ओगैमस होता है. अब यहाँ पे जो मैंने टर्म्स यूज़ किए हैं आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और ओगैमस, तो यहाँ पे आइसोगैमस जिसमें बोथ गैमीट्स हमारे मोटाइल होते हैं और सेम साइज़ के होते हैं, और एन आइसोगैमस जिसमें हमारे दोनों ही गैमीट्स मोटाइल होते हैं और डिफरेंट साइज़ के होते हैं एंड फीमेल इज़ बिगर. और ओगैमस में आपका फीमेल गैमीट लार्जर होता है और नॉन मोटाइल होता है एंड मेल गैमीट इज स्मॉलर एंड मोटाइल. सो ऑन दिस बेसिस एल्गी डिवाइड इन थ्री मेजर डिविजन्स. जैसे मैंने अभी आपको बताया क्लोरोफाइसी हो गया, आपका पियोफाइसी है, रोडोफाइसी है,
नाउ वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस क्लोरोफाइसी, जिसे हम ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं. ये लार्जेस्ट क्लास है एल्गी की, जिसको हम कॉमनली ग्रीन एल्गी बोलते हैं. अब इसमें जो प्लांट बॉडी होती है वो हमारी यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और कोनोलियल होते हैं, और समटाइम्स दे मे बी लॉन्ग एंड फिलामेंटस ऑल्सो. इनमें मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल ए एंड बी, एंड दे स्टोर फूड एज स्टार्च. और इनमें पायरेनॉइड्स होते हैं. पायरेनॉइड्स प्रोटीनियस बॉडी होती हैं और मोस्टली ये प्लास्टिड्स के अंदर पाए जाते हैं. एंड दे रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव मेथड्स, आइदर बाय फिशन, बडिंग या फिर फ्रेगमेंटेशन. एंड द एग्जाम्पल जस्ट आई हैव टोल्ड यू, दिस इज द वॉल वॉक्स एंड दिस इज द उलोथ्रिक्स. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट डिवीजन विच इज कॉल्ड द फियोफाइसी. फियोफाइसी एल्गी की आपकी नेक्स्ट डिवीजन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी भी कहते हैं. तो ब्राउन एल्गी के ये एग्जाम्पल्स हैं, और इसके जनरल फीचर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं ब्राउन एल्गी के, दैट दे मोस्टली मेराइन. और इसमें जो कुछ स्पीसीज होती हैं वो आपकी फ्रेश वाटर में भी मिलती हैं. प्लांट बॉडी मल्टी सेलुलर होती है एंड दे आर नो नोन यूनिसेलुलर और कॉलोनियल रिप्रेजेंटेटिव्स. एंड द सेल वॉल्स मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड एल्गेनिक एसिड. इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज और एल्गेनिक एसिड से बनी हुई होती है. हियर यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज होल्ड फास्ट एंड दिस इज स्टेम लाइक स्ट्रक्चर विच इज सेट टू बी एज स्टाइप एंड दिस इज फ्रॉन्ट. हियर ऑल्सो यू कैन सी द एयर ब्लैडर, फॉन्ट एंड मिडरिप, जस्ट एज इन केस ऑफ द लीफ एंड होल्ड फास्ट इज देयर. दिस इज लेमिन एरिया एंड दिस इज फकस एंड दिस इज डिक्टायोटा. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ब्राउन एल्गी. यहाँ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी होता है, जिसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल्स होते हैं. एंड रिजर्व फूड आपका लेमिनेरियन या मैनिटॉल होता है. एंड ये रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिव ए सेक्शुअल और सेक्शुअल मेथड से. एंड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाय फॉर्मेशन ऑफ मोटाइल जूस्पोर्स. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें आइसोगैमस या ओगैमस हो सकता है. जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था दैट व्हाट इज़ आइसोगैमस. आइसो मीन्स सेम होता है, जिसमें बोथ गैमीट्स आपके मोटाइल होते हैं और सेम साइज़ के होते हैं. और ओगैमस यानी जिसमें आपका फीमेल लार्जर होता है और नॉन मोटाइल होते हैं, मेल गैमिट इज़ स्मॉलर एंड मोटाइल. एंड एग्जाम्पल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, दैट इज दिस इज लेमिनेरिया, फकस एंड Dictyota. In this video, this much only. In my next video, I will explain you the next division, that is the rhodophyceae, that is also known as, commonly known as the red algae. So don't forget to share and subscribe this channel, and take care yourself. Thank you.